हेलो स्पिट्स विलन्स के एक्स क्वीजेस। आई नो कि तुम लोग बहुत उत्सुक हो गए जानने के लिए कि तुम्हारे एक्सेस स्पिट्स विलन में क्या क्या गुल खिला रहे हैं। शार्पन योर क्लॉस, ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड एंजॉय अंटिल देन। एक्स क्वीज मी प्लीज। वेलकम टू MTV स्प्लिट्सविला 15 को पावर्ड बाय न्यूमी फिक्स डर्मा Shadow Sun Protection and Wild Stone Deos and Perfume. So, क्या हुआ विलम में? थोड़ा सा ड्रामा हुआ. क्या ड्रामा? Nothing major, nothing major. I think पहले से जानते थे शिवित और आकृति एक दूसरे को. बीच में थोड़ी सी अनबन हुई, दबे हुए जज्बात थे, वो क्लियर हो गया. नथिंग मैम, मेरे और आकृति में जितने आर्ग्यूमेंट्स लड़ाइयां थी वो सॉर्ट आउट हो गई. सब सॉर्ट हो गए? या ऑन आकृति, डू यू एग्री? या बस मेरा सॉरी बाकी हो गया. सॉरी बोल, उसको बोलना पड़ेगा मुझे सॉरी. बोलो घुटनों के बल बैठ. हां भाग रहे घुटनों के बल बैठ के. नहीं अभी बैठ लो घुटनों के बल. But I want to know what happened. क्या हुआ था? मेरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इसने जो चीजें की मेरे को लेके लाइव में जाके उल्टी सीधी बातें जो भी था, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी होगी हमारे बीच में. हाँ. जो कि मुझे बुरा लगा. शायद मुझे उसके साइड की चीजें नहीं मालूम थी तो उस टाइम ये सारी चीजें हो गई थी. बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी कि भाई ये क्यों आ गया इधर, मुझे नहीं देखना इसको. जो भी हमारे बीच में फील करके बोलो कि हाँ मुझसे गलती हुई. उठक बैठक करके पांच बार करके फिर सॉरी बोल देना. कान पकड़, कान पकड़, मुर्गी मुर्गी बन जा, चल मुर्गी. सर पैंट टाइट. माफ किया. पांच बार भाई, पांच बार. वेरी स्पोर्टिंग भाई. यार कितना अच्छा है यार. अच्छा लड़का. हाँ जी जी साले. सो नाउ यू हैव फॉरगिवन हिम ना? या 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 माफ किया. आयरनी इसकी बेस्ट फ्रेंड की जैकेट पहन के बैठा. जैकेट नहीं लाएंगे, शॉल पहन के बैठा. और इसकी जैकेट किसी और ने पहनी हुई है. यहाँ कहीं कहीं दिख रहा है दूसरा जिसका जैकेट कहीं और दिख रही. पर आई वांट टू नो अनिका. यस. क्या हुआ आप दोनों के बीच? नथिंग. कुछ तो बताओ. नथिंग. अरे ही इज वेरी फ्लर्टी लाइक मुझे ऐसा लगता है. और आपने उसके जैकेट पहने? मैंने किसी से बात तक नहीं की. यू वोंट बिलीव, मैंने सिर्फ हर्ष से बात करी है और मैंने उससे बात करी. व्हाई डिड यू टेक हिज जैकेट? पता नहीं, वो नेक्स्ट टाइम किसी और का जैकेट, किसी और का शॉल या जैकेट या कोट पहन के बैठा होगा. हो सकता है. आई एम लाइक ब्रो, यू आर माय कनेक्शन. युवराज, आई एम गोना गिव यू अ चैलेंज. या ओके. आपको एक स्प्लिट्स विलन को चूज करना है जिसको आप रोस्ट कर रहे हैं. मैं 100% श्योर था ये मेरा ही नाम लेगा. एडी भड़ास थी मेरे दिल में क्योंकि सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा था भाई. इसने ये चीजें बोली इंट्रोडक्शन में मेरे साथ. तो एडी, तूने सुबह मेरे को कुछ बोला था कि पीके आ, बट अभी तू भी इतना लंबा नहीं लग रहा भाई. पांच सात पांच छह ही लग रहा है. दिमाग की बात करी थी भाई. दिमाग की और बॉडी बनाने से दिमाग तेरे में नहीं आएगा. मतलब मानता है ना मेरी बॉडी जैसे अच्छी है? हाँ मैं तो मानता हूँ बॉडी अच्छी है, बट दिमाग नहीं है तेरे में. टाटू जैसे तेरे बाल है. रोस्ट का मतलब शायद उसे पता नहीं. वो अपना उल्टी सीधी भाषा यूज करने लगा. उसे पता ही नहीं उसके आसपास में कौन लोग बैठे हैं. लड़कियां बैठी इतनी सुंदर सुंदर. सनी मैम बैठी है. तू रोस्ट कर. मेरे को तू अच्छा नहीं लगा यहाँ पिटते हुए. यहाँ अलाउड नहीं है. हाँ तो अच्छा लड़ाई, अच्छा लड़ाई. हाँ तो तू ये क्या बोल रहा है? तेरे को रोस्ट करने के लिए बोला है. तू क्या घाट वाट क्या बोल रहा है? भाई तू है रिच ब्रांड ठीक है तो हूँ. हाँ तो मैं नहीं हूँ ना. मैं मेरे पास है पैसा. मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. मेरे पास है, मेरे पास नहीं है ना. तो मैं कर रहा हूँ. तो उसमें मेरे पास कोई लेना देना नहीं है. मैंने 14 साल की उम्र में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था. तूने क्या करा?
बेटा अभी गेम शुरू हुआ है, तब तो मैंने सोच ही लिया था, पर अब तो मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, तू बच के रही हो। ओके आकृति, नाउ लेट्स कम टू यू। आई वांट टू नो, आर यू वाइबिंग विद एनीबॉडी इन स्विट्जरलैंड राइट नाउ? Yeah. I mean, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आप उधर देख रही थी, भावा में अच्छे हैं। हमें भी बताओ। सब अच्छे, जैसे सबने बोला कि पहला दिन है, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ। तो वैसे ही कोई एक और बंदे थे जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाम तो बताओ। जैसे जस्ट क्या हुआ था सर? I have so many band. मैंने बोला कि यार देख, मैं यहाँ तेरे दोस्त बनने की कोशिश करूंगा और फिर प्यार व्यार करूंगा, तो सबके साथ एटलीस्ट बात तो करने दो। और इसको गुस्सा हो गया, लाइक तू जा सबके साथ बात कर। मैं चाहती थी कि मैं बोलूंगी कि हाँ जाओ बात करो, बट वो समझ जाए कि मैं बोलूं कि ना जाओ तुम। ऑलराइट, सो सिंस यू आर शोइंग ऑफ सो मच, यू एंड योर फाइव बैंड्स, आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट, इट्स यू एंड मी एंड माय फाइव बैंड्स। वर्क मारी हो गए ना हाथ। You should work those muscles a little bit. So I think you should lift Akriti up and we should do a bicep challenge. मैंने बोला fuck यार क्यों करवा रहे हो यार ये सब, उस बंदे से करवा रहे हो जिसको देख के मुझे ऐसा शर्म सी आ जाती है, मैं पूरी लाल हो जाती हूँ, और प्लीज मुझे इन सबके सामने सब मत कराओ। मैंने बोला यार बहुत अच्छे हो तुम यार। Ameya! Hi! Are you vibing with anyone in the villa right now? Is there anybody you want to squeeze? Koi to hoga. Yeah, the person sitting right next to me. I feel very protected and like, you know, very secured with him. So that's what I liked about him. So since you feel so secure, can you both come forward? Aajo. Okay, so I would love it if you guys could do like a really cute dance together. I think we should add a bit of a twist to it. Yeah, ye thoda, you know, sab predictable ho jata hai. To how about hum in dono ko ek hula hoop mein dal de. Okay, so they have no option but to close dance with each other. Dance in this hula hoop? Both of you. Yeah, it's very small. Well, figure a way. Thoda improvise karo. Good stuff, guys. We're in Splitsvilla and we want to move on from the past. Chilvil, I want to know what happened in the past. Wo kya tha jisne bola tha jo itna bura laga? Main relationship mein thi 4 saal se aur wo bahut zyada acha tha. Matlab uski family ye bolti thi ki ye hamari bhi baatein nahi sunta hai to tu bol teri baat sunega. Itna prioritize kar rakha tha usne mujhe aur treatment bilkul matlab प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही था. और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक रिलेशनशिप में रहते हो तो फैमिली को हो जाता है यार नाउ यू गेट रोकाफाइड और एंगेज. तो आई वॉज 21 जब एंगेजमेंट की बात करी थी एंड ही वॉज ऑल्सो 21 विच इज़ क्वाइट अर्ली. उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो सामने वाला वैसे ही यार थोड़ा सा कांप जाता है. हमारे एंगेजमेंट के एक महीने बाद ही उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. कैसे? Like he was बहुत ज़्यादा हर छोटी-छोटी बात पे aggressive हो जाता था वो. Don't cry. Look, I'm warm. Hug me. So I never wanted it to end. क्या होता है आप किसी को बहुत अच्छा ट्रीट करते हो और ये सब चीजें होने लग जाती है ना अचानक से, तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि यार ये क्या हो गया अचानक से. तो वो चीजें मुझे थोड़ी ऑड लगने लग गई. एक दिन पापा ने उसे मस्ती में वी वर सिटिंग और बोल दिया था कि चलो चलो अब शादी कर लो. तो वो अचानक से गुस्से में खड़ा हुआ, उसने बोला कि जबरदस्ती आपने एंगेजमेंट तो करा दी, अब शादी भी जबरदस्ती कराओगे क्या? तो मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी कि ज़बरदस्ती क्या यार.
फिर पापा ने बोला कि जबरदस्ती क्या होता है, आप भी पसंद करते थे ना। पापा ने उसको बोला कि आप नहीं करोगे तो और कोई करेगा, ऐसा नहीं है ना कि यू आर द लास्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो उसने बोला तो करा लो अपनी बेटी की शादी जिससे करानी है। And he left. क्या आप उसे अभी मिस करते हो? That happened to me as well. I also was engaged once before I met my husband. I just had this gut feeling that something was wrong, and there was something very wrong. He was cheating on me. I just asked him, like, do you even love me anymore? And he's like, no, I don't love you anymore. This was 2 months before our fucking wedding. Like a destination wedding in Hawaii. Dress was picked, everything's done, paid money, all of it. And it was like the worst feeling ever. So I can understand how you feel. And then God does amazing things. And literally within months, like God sent me an angel. And that angel's my husband. New generation of getting to know each other. And they have all these cool words for all these things that they like to squeeze and a snack. But it all comes down to, they still like old school conversations. No, like the old school. And they all have things they like. Jo acha lagta, jo nahi acha lagta. Red flags, green flags. So, hum kya karenge? Is hum puchenge ki aapka red flag kya tha aapke past relationships mein. We get it out so you can move forward and make some new connections. Are you guys ready? Yeah. All right, तो किसके साथ स्टार्ट करें? अनिका, आपका रेड फ्लैग क्या था आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में? So basically, मेरे को लाइज बिल्कुल नहीं पसंद है। I don't like people जो एक एक छोटी सी बात पे भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि मेरे को एक्सक्यूजेस ऐसे मिले हैं या बॉदर करेगी या फिर क्या एक्सक्यूजेस मिले? यही कि मुझे ऐसा लगता था कि ये चीजें बॉदर करेंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। आई मीन व्हाट द, और फिर वो चीजें बहुत ज्यादा ऐसे टॉक्सिक हो जाती थी, क्योंकि एक होता है मैन्युपुलेटिव नेचर और एक होता है उसको टॉक्सिकनेस में ट्रीट करना। लाइक आप झूठ बोल रहे हो, उसके बाद आप किसी और के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हो कि नहीं नहीं ये चीजें हैं और ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग। तो दैट व्हाट आई डोंट लाइक। मैंने अभी बहुत ऐसी चीजें करी हैं जिससे कि मुझे वो चीजें याद नहीं करनी है। आई रियली वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग और मुझे नहीं चाहिए कि वो सारी चीजें फिर से हो, तो नहीं। छोड़ो यार, क्या बोलना है, मतलब आई एम नॉट लाइक दैट और मुझे कुछ बोलना नहीं है, इट्स फाइन एंड आई रियली फील गुड कि हाँ शी सेड कि आई वांट टू मूव ऑन। और जो कि मेरे पास मेरे सामने बोला गया था अभी तक कि मैं जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर सकती। भाई तेरे से मूव ऑन तो करा देगा ये बंदा, लेकिन अपना ट्रॉमा दे देगा, उससे मूव ऑन नहीं कर पाएगी वो। शी नीड टू फेस मी नाउ। अब वो मुझे मेरे फेस पे देखकर बोलेगी इस चीज को, तब तक मैं चुप रहूंगा कि यार तूने अब क्या बोल रही है। आई वांट टू सी हर नाउ कि यार वो कैसे मुझे फेस करेगी जब वो इतना कुछ बोल चुकी है मेरे बारे में। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स गो। शी डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। मैं आज भी वही वर्ड बोलूंगा, मैंने उसे कभी कोई वर्ड दिया ही नहीं अपनी लाइफ में, वो सिर्फ फ्रेंडशिप थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो दिन में प्यार नहीं होता। और उसके बाद मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं गेम पे फोकस करना चाहता हूँ। मेरी मॉम को लिया है बीच में, बोला गया कि मैंने झूठ बोला है कि मेरी माँ को कैंसर है, वो मरने वाली। जिसने मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला हुआ मेरे को कभी देखना ही, उसने पहली लाइन ये बोली थी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड होगा, हम लोग स्टोरी बनाएंगे, स्प्लिट चला जाए। भाई कितना बड़ा झूठा है। भाई तू कभी तो सच बोल यार, तू 100 झूठ में एक तो सच बोल। Why the you are so scared to tell the world that we were a thing? पहली बात तो ये
स्प्लिट्स विला वाली बात हुई नहीं थी भाई, हम रोडीज में हैं, हमारी स्प्लिट्स विला को लेके बात ही नहीं हुई है। He was the one who blocked you. He blocked me because he's fucking scared. गांड मार दी थी मैंने उसकी रीएंट्री में, एक वर्ड नहीं बोल पाया था। ये अगर इतना सही होता ना मेरे सामने बोलता ही एक चीज। पहली चीज तो ये, he was the one who came, Naira, you are my crush, Naira, you are my crush. मैंने कहा चल ठीक है, मैं हूँ अच्छी, हो गई होंगे क्रश भाई। और अगर तुम बोलते हो फ्रेंडशिप थी तो तुम ये क्यों बोल रहे थे कि शो के बाहर करते? अगर फ्रेंडशिप थी तो बाहर क्या करना था? Why do you want to continue it? Exactly, भाई मैं बोल ही देती हूँ, आज टेंट में पूरी रिया गैंग सोती थी, मेरे साथ सोने के लिए भोसड़ी वाला क्यों आया? क्यों आया मेरे साथ सोने के लिए? क्यों उसने वोट आउट में बोला कि नायरा को छोड़ के सब मेरी बहने हैं? बहनचोद, हैव द बॉल्स टू से कि यस आई लाइक दिस वुमन। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, मर्द बन बोल भाई। किसी को लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हो जाती यार, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, सब हो जाता है। लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि फ्रेंडशिप थी भाई, तो तुम प्लान करके क्यों आए थे कि नायरा से लव एंगल करना है? फुटेज की बातें कर रहे हैं, हाथ पकड़ के बैठता जब ये बोलता है कि फ्रेंडशिप थी भाई, सेट तक जाने तक मेरा हाथ पकड़ के क्यों बैठता था? मेरे कंधे पे सर क्यों रखता था? फ्रेंड्स के साथ करते हो तुम तो, फिर तुम पे लाना थे कि तुम फ्रेंड्स का मुंह मारते हो जाके? फिर तो तुम्हारा कोई क्लास ही नहीं है कि तुम फ्रेंड से भी मुंह मार रहे हो। और ये बेस्ट फ्रेंड नेशनली क्या चीज है? बकचोदी थी, उसको खुद पता था भाई मेरे अंदर, मेरी गांड में गूदा है कि मैं बोल सकती हूँ टीवी पे कि मुझे पसंद आया, उसकी गांड में गूदा नहीं है, मर्द नहीं है वो, क्योंकि वो 10 लड़कियों से सेम चीज बोल रहा है ना। आकृति को आई लव यू बोल रहा है, आकृति को तुम इमोजी भेज रहे हो लव वव वाली, फिर तुम बोल रहे हो कि वो तो शो से निकल गई, मुझे दूसरी लड़की चाहिए। भाई सबको पता है कौन फ्लर्ट करता है, कौन 10 जगह मुंह मारता है। भाई मैं प्यार में अंधी हूँ सब हूँ, लेकिन मैं डिसलॉयल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ डिसलॉयल। तीन बार चीट किया है लोगों ने, आई नो जब फ्रेंड्स चीट करते, आई नो हाउ डज इट फील। मेरे को प्रॉब्लम है, झूठ मत बोलो ना यार, मैं वो बंदी नहीं हूँ, मैं रोती हूँ। मेरे को लिटरली शो के बाद थ्रेट कर रहे हैं लोग क्योंकि वो उसकी साइड बिलीव कर रहे हैं। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज रेडी टू बिलीव, कोई एक बंदा बिलीव नहीं कर रहा कि देयर वाज अ लव एंगल, देयर वाज अ लव एंगल, इट वाज नॉट फ्रेंडशिप। पता है ऑडियंस को, पता है। आई एम फकिंग स्ट्रांग, बट आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड दैट आई एम नॉट एट फॉल्ट। ऑल आई एम सेइंग इज टेल द वर्ल्ड द ट्रुथ, टेल द वर्ल्ड द ट्रुथ दैट देयर वाज अ थिंग। नायरा उसमें नहीं है, वो नहीं है, उसको नहीं मिली ऐसी अपब्रिंगिंग। मैं अब आज भी बोलूंगी, आज भी मुझे शायद उसके लिए गालियां पड़ेंगी, बट आई स्टिल स्टैंड ऑन माय वर्ड कि उसको नहीं सिखाया गया है लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, उसको नहीं सिखाया गया है कि गांड में इतना गूदा लेके एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे बंदी पसंद है, क्योंकि तुम्हें 10 बंदी पसंद है ना, तुम नहीं बता सकते। तुमने सेम चीज आकृति को बोली, तुमने सेम चीज मुझे बोली, अभी पता नहीं किसी को डेट कर रहा होगा, यहाँ पे 10 लड़कियों को सेम चीज बोल रहा होगा। ही डजंट हैव द बॉल्स, वो मारता है वो हर जगह जा जाके यार, लड़की को थ्रेटन करता है कि मैं तेरे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा। ये अपब्रिंगिंग मिली है तुम्हारी माने, तुम्हें ये सिखाया है तुम लड़कियों को थ्रेटन करो? यू आर ब्लैकमेलिंग अ वुमन ऑन सोशल मीडिया। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, मैं तब तक उसकी टीम ही रहूंगी, सूट जाएगी उसकी मां मरवा के, याद रखना। अरे इतना हार्ड मत लो, मैं मिल चुप इसलिए हूं कि अभी सही समय आएगा ना, दोनों साथ चलेंगे। सामने से फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के बात करेगा ना, तब देखते हैं क्या बोलेगा। पूरे शो में मारेंगे ना, रुक जा। गुड गुड गुड, चल पीते, रिलैक्स, आई एम विद यू फॉर दिस। पावरफुल है, वेरी पावरफुल है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको यार। पहला जो प्यार था मेरा वो लॉन्ग डिस्टेंस था ऑनलाइन, उसने मेरे पे चीट कर दिया। सो शी ब्रोक योर हार्ट? या उसके बाद मैं दिल्ली गया था, उस लड़की ने मेरा काट दिया। लेकिन क्या हुआ, उसने मुझे बिल्कुल ही ऐसे साइड कर दिया और मेरे सामने किसी और से मेकआउट कर रही है, तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ इस चीज पे। तो मेरे को बहुत ऐसा हुआ कि भाई लड़कियों से भरोसा उठ गया मेरा। इसने भी ऑडिशन दिया था इसका, बट हुई नहीं सिलेक्ट। पता नहीं है कहाँ पे हूँ मैं भी। It was a shoot, guys. It was a shoot. It was a very close shoot. अच्छा, इस लोलू को डेट करूंगी क्या मैं? शक्ल देखी इसकी, चमगादड़। भाई मिलूंगी ना, इसके मुंह पे ताली बजाने का मन कर रहा है अभी तो मेरा फिलहाल। चलो यार अभी दूसरे का भी देख लेते हैं। चलो मैं kind of situationship कह सकते हो आप। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा सचिन के बारे में, अब मेरे को झूठ नहीं बोलना, मेरे साइड से भी लाइक फीलिंग्स आ गई थी उसके लिए कि ही इज गुड, लाइक जैसा मुझे चाहिए वैसा है।
बट उसकी सारी चीजें अप टू द मार्क नहीं है जैसा मुझे चाहिए. वो दूसरों के सामने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता था. मैंने उसको बोला मेरे को फीवर है सुबह से, लाइक उसने ध्यान नहीं दिया. बट उसकी एक फ्रेंड आई, उसने किया, उसने सुशील भैया टर्मरिक का दूध ले आओ, गरम पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो वो चीज मुझे उसकी बुरी लगी. या अगर मैं तुमसे इवन बोल भी रही हूँ कि यार मुझे फीवर आ रहा है, तो एटलीस्ट मुझसे पूछो तो कि आर यू ओके और नॉट. उसको लगता था कि सिर्फ मुंबई की ही लड़कियां हैं हॉट सेक्सी, भाई तुम कुछ नहीं हो. मुझे ये वाली फीलिंग आती थी, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी उसकी वजह से, तो बहुत स्टक फील करती थी उसकी. मैं कभी भी ऐसे बंदे से लाइक बात या फिर यू नो आगे नहीं सोच सकती रिलेशन के बारे में. Are you okay? सही बोल रही थी क्या वो? यार बात सारी अगर इम्पोर्टेंस की है तो मुझे लगता है कि मैंने मेरे सारे दोस्तों को बहुत पीछे रखा है उसके सामने. एंड यस शी इज राइट कि जिस दिन वो बीमार थी वो उस दिन चला गया था और मैं बहुत लेट आया था. बट मैं उसको पूछ कर गया था. मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी भी उसको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया हो किसी भी चीज़ को लेकर. मैंने उसको हमेशा बेस्ट फील कराया है. मेरे दोस्तों को मैंने कट ऑफ करना शुरू कर दिया था. मेरे बहुत सारे आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे कॉल्स आते थे कि यार तू मिल ही नहीं रहा यार किसी से भी, तू आई वॉज विद हर थ्रू आउट. कभी कभी ना रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें होती हैं. एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग. बट यार ये हैंग आउट कर रहा था, इसकी हर स्टोरी में आकृति थी, ये जहां जहां जा रहा था आकृति थी. इसने बोला ना वी आर कैरिंग टुगेदर एंड एवरीथिंग. यू नो यस्टरडे इसने उसके बारे में कुछ बोला नहीं. नहीं बोला इसने, कभी नहीं बोला. मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे गलती हो जाएगी ठीक है, किसी इंसान से किसी इंसान को आप जाके बोलोगे ना यार मुझे माफ कर दो, तो एक इंसान एक मौका तो देता ना चीज के लिए. इंसान छोड़ के थोड़ा ना चला जाता यार सीधा स्ट्रेट. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या सुन रहा हूँ. आई वाज इमोशनल. रेड फ्लैग आई वुड से डिसलॉयल्टी. उस रिलेशनशिप में आई जस्ट सॉ माय वर्स्ट पर्सनालिटी ऑफ माय सेल्फ, लाइक की फाइटिंग, डीमोटिवेटेड, टॉक्सिक पैटर्न बन गया. तो उसने भी मुझे नहीं छोड़ा और मैं उसे छोड़ ही नहीं पाई क्योंकि आई वाज सो इन्वेस्टेड इनटू हिम. बट आई वाज अ फूल एट दैट टाइम. बट नाउ आई हैव लर्नड कि आई नो व्हाट आई एम वर्थ ऑफ, एंड अगर मैं किसी के लिए इतना फर्स्ट डाल रही हूं देन आई डिजर्व द बेस्ट. आई रियली लाइक योर डिसेंसी एंड ऑनेस्टी. मेरी प्रीवियस रिलेशनशिप में उतनी ऑनेस्टी नहीं रही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल सको, तो आई एक्सपेक्ट दैट कि तुम मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलो. So, would you like to go on a date with me? नहीं, मैंने इशिता को ऐसा सिर्फ मेरे साथ देखा था पिछले 4-5 साल में. एंड वो बोलती थी कि मैं किसी लड़के से खुद ऐसे पूछती नहीं हूँ, तो देख के मैं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शॉक्ड था कि भाई ये कोई डिफरेंट साइड देखने को मुझे इशिता की मिल रही है. सबसे पहले जो डिसलॉयल्टी वाली बात हुई है, मैं डिसलॉयल पहले मैं नहीं था, पहले डिसॉल्व वो थी. और जब वो हुई उसके बाद आई वाज वेरी क्लियर कि भाई मुझे नहीं चाहिए. मैंने इसको 3-4 साल पहले ही वेरी वेरी क्लियर कर दिया था कि भाई कोई फ्यूचर नहीं है हमारा. कहीं ना कहीं आई फील कि उसे अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि उसने जो गलतियां करी हैं पास्ट में कहीं उन्हीं का कॉन्सिक्वेंसेस तो वो नहीं झेल रही है. तो अभी जब वो लास्ट में आया कि Would you go on a date with me? मेरे को अच्छा लगा honestly. तेरा बंदा बंदी पागल है क्या? क्यों पागल क्यों इस चीज़? मेरा बंदा. So what? उसे थोड़ा ही पता है. फिर भी तो अगर पता नहीं है तो तुम्हारा तो पता ही नहीं है ना. उसे तो पता ही नहीं है. तुम्हारे बंदे को फिर भी तो मेरा बंदा को डेट पे क्यों? वो अगर गेम में आगे जाने के लिए कनेक्शन बना रहे हैं तो भाई गलत क्या है? तू क्यों ट्रिगर हो रही है? तू चल रहा है ना, तेरा तो 11 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है. हाँ मुझे पता है तू मूव ऑन नहीं कर पाई है, बट एक्सेप्ट करके वहाँ चल रहा है. क्या बोला? क्या बोला उसने? आंसर कुछ बोला कहाँ? दिखाया नहीं. दिखाया नहीं. इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं अनिकेत को देखती हूँ, तो उस टाइम भी मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी. I didn't want to cheat on her. क्लब में खुला नाच रहा था क्योंकि मैं कुछ भी छुप के एकदम नहीं करता, तो किसी ने बता दिया उसको कॉल करके ऐसा ऐसा सीन.
अब मैंने उस हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने डायरेक्ट बोल दिया, मैंने सब कुछ कर लिया बोल के. He is just straight up lying. Yeah. मेरे पास उसका अभी भी, मेरा फोन चेक करोगे तो उधर पे वो जिस लड़की के साथ उसका हुआ उसका मेरे पास क्लब का वीडियो है फर्स्ट, एंड सेकंड वाला वीडियो में है एक वो है वो टॉवल लगाया हुआ है और वो बालकनी में और वो लड़की वीडियो बना रही है, बोल रही है वाह वाह वाह, सरासर झूठ बोल रहा है भाई साहब. मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं बैक होंगी उसके साथ ऐसा ऐसा जब मैं स्प्लिट्स विला जाऊंगी उसके माफ कर दूंगी, लेकिन उसने तो मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया बोल के उसके उसने चीटी नहीं किया. एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो भाई साहब, जो गलती की तुमने किया है एक्सेप्ट तो करो. चलो भाई अगली कौन है या अगला कौन है? I like, you know, guys showing me off. I know, like, you know, it's keeping it private is also nice. But then, kabhi kabar post kya karo meko? Acha lagta hai, like, you know, it makes me feel secure, right? But he never used to do that. But at the same time, like, you know, when we used to meet friends, like, you know, and then he used to just introduce me as Ameha. Ah, no tag. No tag. My girlfriend. Just Ameha. You want to be introduced as, like, you know, my girl Ameha and all that. So that was a big red flag. Eventually, he ended up cheating on me. Scene ऐसा है, introduce किया था. पर ये cheating का scene इसका misconception है. भाई ये I didn't cheat on her, I didn't do shit. No, she was assuming that. चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. नेक्स्ट एक्स. इन माय प्रीवियस रियलिटी शो देयर वाज अ गर्ल जिससे मेरी काफी बॉन्डिंग थी, लाइक वी वर गेटिंग अलोंग ऑन द शो, पर वही आफ्टर द शो आई डोंट थिंक वो चीज आगे बढ़ी एंड हमारी बात नहीं हुई. शी वाज फ्रॉम नहीं, मुझे ये पता है कि उसने मुझे अनफॉलो कर दिया था. मैं लाइव स्ट्रीम पे था तो किया होगा ना. आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा उसका कुछ पर्सनल होगा तो मुझे इसको लाइव पे नहीं डिस्कस करना है, पर लोग मुझे डेयर दे रहे थे कि हम सुपर चैट करेंगे तू जाके पूछ और हमें बता. तो किसी ने 10,000 की सुपर चैट की तो मैंने बोला शिट द डेयर इज ऑन, तो मैंने उसको पूछ लिया कि अनफॉलो व्हाई जस्ट अ क्वेश्चन मार्क, एंड शी टोल्ड मी दैट चीजें कॉम्प्लिकेटेड है. So I feel like she would be able to explain things better. मुझे लगा कि भाई क्यों दिखा रहे हैं फालतू में शक्ल, मेरी बेइज्जती हो रही थी, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि अरे 10,000 में बिक गया यार ये. 10,000 हाँ मतलब इतने सस्ते में. बस I don't care, it was a fling. शो के बाद खत्म हो गया था इसलिए I unfollowed him. तो मैं कुछ भी नहीं चाहती थी उसके बाद. कुछ एक्सप्रेस करना है आपको? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वो वहां बैठा क्या बोल रहा. तो आई वाज रिलैक्स्ड कि भाई हां ठीक है, कोई सीन नहीं है इसका इस बंदे के साथ, तो अपनी जो लेन है वो क्लियर है एंड वी आर रेडी टू. बहुत ही वाहियत रिलेशनशिप था, मतलब वो तो मुझे ऐसा लगता था मैं बच्चा पाल रही हूँ, बिकॉज वो तो छोटी छोटी बातों पे इतना झगड़ता था, इतना ज़्यादा झगड़ता था. मतलब ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं होगा वो जिससे नहीं लड़ा, एंड बहुत पना चिंदी चोरी करता था, मतलब ऐसे स्टुपिड से रीज़न पे उसने मेरा एक बार फ़ोन भी तोड़ दिया था. Yes, फोन तोड़ दिया? हाँ, मेरा एक फ्रेंड था तो मेरी उससे बात हो गई थी एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, तो उसने बोला कि तू कैसे बात कर लिया ये वो ऐसे वैसे, तो पता नहीं ऐसा कुछ फाइट वाइट हुआ, उसने लेके फोन ऐसे मारा. ब्रेकअप बस इसी चिंदी चोरों की हरकतों से मुझे हो गया यार, मैं हो गई हूँ ऐसे लड़ने लगा. फिर मैंने लैंडलॉर्ड को बोला प्लीज इसको मेरे घर मत आने देना. अब वो दोस्त के लिए ज्यादा क्लोज थी. क्लोज का मतलब क्या होता है? सेक्स कर लेना, फिर उससे बात करना मना करने के बाद
और कहने का मतलब कि हो गया, ये क्लोज है। उसके वो दोस्तों से मुझे प्रॉब्लम थी जिसके साथ उसका पेजोरी सेक्स हो गया। मैं उसको बोला था एक्स वाई जेड से तुझे बात नहीं करनी है ना, फिर वो बात कर रही है मेरे सामने घर ना, फिर एकदम से डिलीट कर रही है फसली, तो फोन ही टूटेगा भाई। क्या सोचा था, क्या इसने बोला, मैंने इसके लिए एक भी गलत वर्ड नहीं बोला और ये ऐसा कर रही है मेरे साथ। तो आई वॉज 21 जब एंगेजमेंट की बात करी थी, एंड ही वॉज ऑल्सो 21। हमारे एंगेजमेंट के एक महीने बाद ही उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया। क्या आप उसे अभी मिस करते हो? जेल पे आई है वो, तो कोशिश करूंगा कि वो चीज से उसको निकाल पाऊ। नहीं निकालेगा भाई, नहीं निकाल पाएगा तू। उसके पिताजी भी नहीं निकाल पाए, तू क्या निकालेगा? पहली स्पिट्सविला की शादी तो इनकी हुई। पहली शादी होगी, शादी होगी ब्रो, तू टेंशन मत ले। बहुत फेयर रीजन मेरे पास, मैं एरोगेंट हुआ तो उस टाइम पे उसके पिताजी के टाइम, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था उस टाइम पे, बट सगाई उनके प्रेशर पे मैंने करी थी कि भाई उनको, उनकी कंसर्न भी क्योंकि सही थी कि भाई उनकी बेटी है, घूम रही है, लोग कुछ बोलते हैं कि भाई इतने टाइम से लड़के के साथ रह रही, तो उस प्रेशर पे मैंने चलो ठीक है एंगेजमेंट कर ली उनके कहने पे। एटलीस्ट शादी तो मेरा और उसका डिसीजन होना चाहिए ना, तुम्हारे कहने पे सब कर लेंगे हम, फिर तुम बच्चे के लिए बोलोगे हमारी लाइफ तो गई गूखान है, वो भी रो रही है, मैं भी रो रहा हूँ, क्या क्या मिला तुमको ये सब करके? लड़की वो भी चाहती है That's the real man, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है भाई। मैं था गलत, मैं उसके पापा पे नहीं चलाना चाहिए था मुझे, लेकिन मेरी भी तो कुछ लाइफ है ना यार, मतलब जो वो बोलेंगे मैं वो नहीं कर सकता हूँ हर बार। अब मुझे ऐसा वापस मतलब वो वीडियो देख के और मोटिवेटेड हो चुका था कि अब मुझे बस वहाँ जाना है स्विट्जरलैंड, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे बस वहाँ जाना है, उससे बात करनी है, एंड वी आर लिटरली आइडियल मैच इन रियल लाइफ। मुझे बस उसके सामने आने दो एक बार और। तो मुझे ऐसा था कि मुझे जल्दी जाना है और अब मुझे कोई नहीं रुकेगा वहाँ पर, और मुझे कोई रोक सकता भी नहीं है ना उसके पेरेंट्स ने, बस वहाँ जाना था, उससे बात करनी थी और उसको वापस लेकर के आना था। चलो भाई बहुत हीट अप हो गया था, फाइनली वो दिन आ चुका था स्प्रिट पिला की पहली सुबह। मैं मस्ती मजाक कर रहा था और देवकरण आया, और देवकरण ने क्या किया, कशिश का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पे लाइक किस कर दिया। मैंने बोला कि देखो कशिश मेरा कनेक्शन है, अभी इससे कोई फ्लड व्लड नहीं करेगा। कोई गलत नहीं बोला, भाई ने क्लियर कर दिया अपनी साइड से। भाभी भाभी नहीं है, भाभी मैंने भाभी का हाथ पकड़ा, भाभी है, भाभी मत बोला भाई यार, ओए भाभी के साथ फ्लड नहीं कर सकते क्या? भाभी को ये थोड़ी कह रहा हूं सेट हो जा, कह रहा हूं यू लुक, यू आर लुकिंग प्रीटी, ये गलत है भाई। मैंने वो सही, ओए एक मिनट हाथ पकड़ के रुक जा। मुझे ये समझ नहीं आता कि सब अरबाज को कोई प्रॉब्लम नहीं और कशिश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कौन होता है बोलना? फ्लर्ट तो किया ना तूने, क्या फ्लर्ट किया? किसी को सुंदर बोलना फ्लर्ट होता है? हाँ भाई, अबे घंटा फ्लर्ट होता है। फिर रुक बाबू सुन, इसे कॉम्प्लीमेंट, तेरा दिमाग खराब है क्या भाई? साले गांडू चुप कर जा, किसी को ब्यूटीफुल बोल दिया वो कॉम्प्लीमेंट। हाँ, हाँ, तो पहले मैंने कब बोला नहीं है? मेरे सुन, एक मिनट सुन, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे से आराम से बोल रहा हूँ, टोन ऊपर, मेरे से टोन ऊपर मत कियो, ये टोन बहुत ऊपर थी। किसने पकड़े? तू चूतिया भाई। अच्छा वो गाली दे दे, ठीक है वो गाली दे, ठीक है और एक छोटा लड़का, तुम दो दो लोग चढ़ रहे हो, तुमको थोड़ी सी अक्कल है? दो जने एक पे चढ़ रहे हो भाई, क्या हो गया? प्यार से भाई भाई बोल रहा हूँ, दो बार ऊपर बोली मत क्यों, प्यार से इंतजार ठीक है, बताना कितना बड़ा हूँ, पढ़ोगी तो मेरे से मत क्या कर प्लीज ब्रो,
बड़ों को तमीज करना सीख। और सुन, लड़के की इमेज खराब मत कियो अगली बार टेलीविजन पे। लड़की को प्रॉब्लम थी नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, क्यों नहीं कर रहा इलाज? मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूं। बच्चा है भाई, बच्चा है भाई, रहने दो। वो बहन के लिए आराम से लाकर शिवेद देखो, रोडीज खेला उसने, ये जान पूछ के लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुक्के मार रहे, ये कर रहे हैं, लाते चला रहे हैं, पर ये रोडीज नहीं है, पर प्यार बनाना है यहाँ, वो चीज नहीं चलेगी, ये स्प्लिट्स है। गाली मत दे रहा भाई, ये जाट बांट, गाली मत दे शिवेद, गाली नहीं दे रहा तेरा, मैं आराम से बात कर रहा हूं, मैं भी आराम से बात कर रहा हूं। तो जब पूरी लड़ाई शांत हो गई, मुझे इतना समझ आ गया था कि युवराज बहुत ही छोटा है, उम्र में नहीं दिमाग से। सुबह सुबह लड़ाई हुई, इट वॉज द सेकेंड डे ऑफ विला, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑनेस्टली इट वॉज स्टूपिड, बट आई बी लाइंग इफ आई से कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विला में 11 समथिंग लड़कियां थी एंड दे आर ऑल गुड, बट लड़ाई में फिर हो रही थी। अचानक से नोटिफिकेशन आता है स्प्लिट्स विला का एंड हम सब ऐसे भागते जैसे मिल्खा सिंह बन गए होंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे। Good morning, Splits Village! Splits Villa का first challenge, मैं तो बहुत excited था। तो हम लोग सब जल्दी से रेडी हुए फॉर द फर्स्ट चैलेंज। सो फाइनली हम लोग चैलेंज लोकेशन में पहुंचते हैं और हम देखते हैं स्लाइड्स हैं, पानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कुछ भी हो जाए आज मुझे परफॉर्म करना है, चाहे पानी में डूबना पड़े चाहे स्लाइड में स्लाइड करना पड़े। Welcome to MTV Splits Villa 15. Okay, so what's happening? बहुत कुछ। तो स्टार्ट कहाँ से करें यार? I think Kashish अभी लाइमलाइट में। कैसे? आई थिंक बहुत सारे स्क्वीज आए उसको कनेक्शन बनाने के लिए कि क्या आप मेरे साथ परफॉर्म करोगी। लश क्यों कर रहे हो? तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती? Would you like to be specific? Who are these people? Everyone. सबके सब। Ayushman was being very sweet to me yesterday. I really like your eyes. I find you very attractive, and I like your smell and etc. Kanak, तेरको भी बोला है कुछ ऐसा? I really like your nose ring. I really like your dimple. Exactly. So that's the thing. He goes on to say, and the worst part, पहले he told me it's you, it's only you. मैं तो नहीं हूँ कि हवा में मार लूँगी. Then after, उसने बोला, कल बताते हैं ना, जब होस्ट पूछेंगे तब बताते हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, etc. But I mean, in a way, Kashish, it's a right thing, ना? I don't have a problem if you explore. अगर तू मेरे को आके बोल रहा है कि नहीं मैंने कर लिया, मेरा हो गया, तू ही है, सब कुछ तुम ही हो, उसके बाद 10 लोगों के सामने मेरे को बोल रहा है तुम तो हो ही नहीं, तो मैं तो चूतिया लग रही हूँ ना सबके सामने। मैंने कशिश को क्लियर रखा था कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और फिर भी कशिश ऑफेंड हो रही थी, तो ये बात मुझे काफी अजीब लगी। फर्स्ट डे मैंने तीनों से मेरी बात हुई थी एंड आई वाइब्रेट ऑल ऑफ देम। आपने तो बट बोला था ना कि मैंने जब खनक को पहले देखा था तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो, और मेरी आईज बिल्कुल खनक के ऊपर ही थी, तो उसकी आंखों में देखे प्यार सा हो जाता है। बोला था। Let's hear from Ayushman. अरे यार क्या हो रहा है? You are the man. चलो बताओ। सर हुआ क्या, मैं आकृति के साथ था, बाहर बैठे थे, हमारी बाहर बात हो रही थी, she was sitting here, खनक, तो I looked at her and I told her कि I didn't see you all day. तो she said you didn't come talk to me. मैं तुम्हें पूरा दिन ढूंढ रही थी और मैं युवराज से जाके पूछी, तो उसने बोला तुम किसी और लड़की के साथ लगे हुए हो। तो मैंने बोला अरे यार मुझे, क्योंकि काफी लोगों ने बोल दिया था कि तेरा और आदित का हो चुका है, इसलिए मैं बात करने नहीं आ पाया। शी वाज लाइक व्हाट, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। मतलब ये एक्सप्लोर जो वर्ड है ना, मेरे हिसाब से कम मैंने 1000 बार सुन लिया था। मुझे बुरा लग रहा था इस बात का कि खानक के साथ, आई वाजंट रियली श्योर कि क्या चल रहा है। तो तब से अगर मुझे पहले लग रहा था कि खानक अभी like she's taken, so that's why I only had Kashish as an like my priority option. Nahi but isne kal raat ko bhi aake mere ko bola ye cheez ki yaar Kashish mein main bhi doubtful hu, thoda na space bana rahi hai, thoda touchy sa nahi ho rahi. Usne boli mujhe ye cheez, to usne bola ki khanak se mujhe wo wali vibes aa rahi hai. Nahi nahi, ye cheez maine nahi boli, my exact words were that I kind of like clingy girls. Clingy? What is clingy? चिपक के रहे। तो थोड़ा shoulder ऐसे और touch होता है और ये सब। Bro, you have to understand कि तू एक dating show में है and you can't say certain things, you can't do certain things.
और यार अगर हम बच्चे को इस शो में लेके आते हैं तो ऐसी हरकतें करेंगे ना। खनक से फिर मेरी शाम को क्लियर बात हुई, शी टोल्ड मी कि आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, आप डिसाइड कर लो क्योंकि बिकॉज़ आई स्टिल हैव कशिश। स्टिल हैव, चलो ये स्टिल हैव कशिश पे आ जाते हैं। स्टिल हैव कशिश का मतलब क्या हुआ भाई? आई कुड स्क्वीज विद हर। इस रिलेशन और कन्फर्मेशन में मैं तो हूँ ही नहीं। But आयुष्मान, the real question is अगर वो आपको squeeze बनाना चाहते हैं। Yes, तो मैं उनसे वही confirm करना चाह रहा था कि अगर वो मुझे squeeze बनाना चाहते हैं अपना खनक, तो वो मुझे clear करें। उन्होंने आदित्य से बात की बहुत। So खनक is your first choice? No ma'am. अभी इसकी चॉइस ये है, खनक मिल जाती है तो खनक, कशिश मिल जाती है तो कशिश, वो दोनों की तरह तो दोनों, दोनों मिल जाए तो दोनों। So to that clingy part, this was something which pissed me off really lot. So see, I am a very clingy PDA person, but I need to like you, right? ऐसे थोड़ी 24 घंटा नहीं हुआ, अभी थोड़ी आऊंगी। तो बट उसका क्या है ना, ही इज अ लिटिल टू टची, यू नो, एंड दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट लेट मी लाइक यू, राइट? एंड ही टोल्ड टू मी, हिज लिटरल लाइन वाज, व्हाई आर यू नॉट मोर फेमिनिन विद मी, व्हाई आर यू नॉट मोर आरुंगी, दिस वाज योर वर्ड, दिस वाज योर वर्ड। मैंने कहा आई एम क्लिंगी बट यू आर नॉट श्योर इनफ विद मी, तू मेरे को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। फिर मेरे को कहता इफ यू गेट मोर क्लिंगी विद मी देन आई माइट लूज माई इंटरेस्ट इन अदर गर्ल्स। मैंने कहा तू मेरे को अल्टीमेटम दे रहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर तेरे साथ चुम्मा चाटी करूं तो तू मेरे साथ रहेगा, वरना किसी और के पास जाएगा। मुझे कह रहा है कि तुम 24 घंटे के अंदर मेरे साथ चेप हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, नहीं तो मैं इधर उधर मुंह मारूंगा। तो अब तुम इधर उधर मारो, मैं तो नहीं हो रही। जो लड़कियां थोड़ा हग वग करती हैं, थोड़ा शोल्डर बम्प देती हैं, मुझे वैसी लड़कियां काफी पसंद है, और खनक वैसी थी और कशिश उसकी पूरी ऑपोजिट थी। बस खनक मुझे कमिटमेंट नहीं दे रही थी और कशिश दे रही थी, तो इसलिए मैं उन दोनों के बीच में कंफ्यूज था। दूसरा चीज हुआ जो शायद किसी को अच्छा नहीं लगा। हाँ। And what about some kiss on the hand? It was actually very stupid, you know. I didn't even realize कि हुआ क्या। I'll tell you what. So हम सुबह अपने अपने रूम में थे, and उतने देर में Dev was passing, तो उसने कुछ बोला and मैंने ऐसे हाथ दिया, yes, totally. So he gently kissed me over here. That's it. Arbaaz, you want to say something? कशिश आते ही इसने क्या किया? कशिश के हाथ पे किस किया। तो मैंने उसको बोला था किस विस मत कर। फिर ऐसी बात करते करते हम शिवेद के रूम में चले गए। ये नहीं हुआ था। तो शिवेद के रूम में चले गए थे। ये नहीं हुआ था। किस किया? ये नहीं हुआ था। रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तक तू बोल, मैं बोल रहा हूँ ना, कशिश बता, मैंने तेरे बीच में बोला, मैंने तेरे बीच में बोला, फिर तू गलत मत, मैंने तेरे बीच में बोला, कशिश ने बताया, मैंने तेरे बीच में बोला, चुप हो जा, बोल, दोनों हाथ पे किस किया, बोल, बोल भाई, बोल यार। शिवेद के रूम में गए सर हम, तो हम वहां पे बैठे थे, तो उसके बाद उसने बोला कि हाँ ये सबसे फ्लर्ट करता है। शिवेद ने उसको बोला कि चुप हो जा, लड़के को ऐसा मत दिखा कि वो गंदा फ्लर्ट कर रहा था बोल के। तो बोला नहीं मैं बोलूंगा। मैंने जो बोला था ना ये फ्लर्टिंग कॉम्प्लीमेंट वाली चीज, ये बेसिकली मैंने ऑफेंसिव वे में नहीं बोली थी, ये इतना ऑफेंसिव वे में ले गए ना मजाक को, एक छोटे से मजाक को। भाई तुझे ना पता ही नहीं होता तू क्या मजाक कर रहा होता, तेरे को पता ही नहीं होता तू क्या मजाक कब कर रहा होता। भाई मैंने सरकाज़म मारा था भाई, मत मारा कर, मत मारा कर, मैं मारूंगा, ऐसा मत मारा कर, मैं मारूंगा, ऐसा मत मारा कर, तो तू पिटेगा, बोलूंगा ठीक है पिट जाऊंगा, पर मैं मारूंगा, मैं दो बारी पिटतेगा बच्चा, तू दो बारी पिटतेगा बच्चा, फर्क नहीं पड़ता, दो बारी पिट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, कोई बात नहीं। कशिश जस्ट टेल मी वन थिंग, तुझे प्रॉब्लम थी उसके किससे? नॉट एट ऑल। ये चूजा है कौन? ओ भाई मैंने मजाक, तू है कौन? मैंने मजाक, अब ये सरकाजम है, सुन इस टोन में बोल दूं, सरकाजम बोल दे, मैंने मना किया, मैंने मना किया, और मैं टोन दिखाता नहीं हूं, मैं उस दिन तेरे को दो बार पैसे बोला, सारे खड़े हैं, टच किया, ओए ओए वो अलाउड नहीं है, यहां सब खड़े, रुक अलाउड नहीं है, तू तो मैम के सामने गाली दे रहा था, सोच मैं क्या करता, मैं तो दे सकता हूं, मैं क्या करता, वो रोज करने को पड़ा, तू बात करने की तमीज सीख, तू बात करने की तमीज सीख, मैं समझा, मैं बोलूंगा, बात करने की तमीज सीख, मैं ऐसे बोलता हूं, देखा कर चार से बोल रहे हैं सामने, मैं किसी के सामने कुछ मत बोला, मैं बोलूंगा, बात समझ, बोलूंगा तो पिटेगा, ठीक है पिट जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, आराम आराम से बात कर, ऐसी कर, वो क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, क्या करेगा मार, क्या करेगा, बोल मत, बोल भाई, बोल मत, क्या करेगा, ठीक है बिना मतलब के चढ़ मत, हर किसी में गुस्सा है यार, ये क्या रेडी, अबे तूने तब भी नहीं बताया था, सच क्या कर रहा है, सुन सुन एक सेकंड तेरे से, सुन 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 तेरे से किसकी बनती है साले, तेरे से कोई कुछ नहीं रहता मेला में भी, कोई लड़का पसंद नहीं करता तुझे तेरी हरकतों की वजह से। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया लौंडे जितने भी होते हैं किस बात की अकड़ होती है, अब अगर जोर से ग्रापड़े मार दिया ना तो पूरा खानदान मर जाएगा। क्या बोलो यार, एक बच्चे को मुंह को लगाओगे तो वो भी तुमको रिप्लाई में बात करेगा, तो तुमको बुरा लग रहा है उस चीज का तो तुम उससे गंदी मजाक करो ही मत।
Kashish? Yes. You have lots of options. So many people are vying for your attention. And that's a good thing. That's what Splitsville is all about, is exploring your options. No, किसी को समझ आया या नहीं आया, सारे लड़के उसके पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि लड़कों को अच्छा लगा कि ये कितनी अच्छी बंदी है भाई, चाहे तुम्हारा कनेक्शन हो ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑफ कोर्स बनता है हर जुबान पे उसका नाम. So as you can see, we're in this beautiful place and we're at our first challenge. In today's challenge, the boys with the most amount of bands, the top three, will be in this challenge. मैं बहुत ज़्यादा sad हो गया जब मुझे पता चला कि सिर्फ तीन लोग ही perform करेंगे. आप तीनों के लिए अभी भी कुछ बचा है. Curious? जानना चाहते हो? Very curious, sir. So, they've had a chance to be around each other and hang out. But I want to know, who did you, out of these girls, who did you vibe with the least? You can start with Josh. I guess, main bol sakta hu Nidhi. Main expect kar rahi thi kahin na kahin, kyunki mujhe pata tha, wo mujhe first day se target karna unhone chalu kar diya tha. To mere andar wo ek dar ban chuka tha. Main bina challenge perform kiye, bina apne aap ko rakhe, main shayad ghar chali jaun. Shivit, your turn. Aise tha. Like seriously, मैं कहाँ से भाई? हर्ष भाई, तो पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा. Please. It's a dating show, और मैं नहीं चाहता कि मैं arrogant sound करूँ सबको, so मैंने सबसे बात की. But मुझे हमेशा ये सुनने में आया कि मैं हर लड़की के पास जाके flirt करता हूँ. कशिश. एक सेकेंड. कशिश कैसे आ सकती है? कशिश तो भाई हर लड़के को पसंद थी, हर लड़के की जुबान पे नाम था कशिश का. तो कशिश ने बोला कि मुझे वाइब नहीं सही आई, बट आई रियली वांट टू आस्क यू, मैंने कब ऐसा कुछ किया कि तुझे मेरे से वाइब अच्छी नहीं आई? तुमने कुछ किया ही नहीं, देयर वाज नो वाइब एज सच. योर एंट्री, द फर्स्ट इंप्रेशन वाजंट रियली द बेस्ट इंप्रेशन फॉर मी. ओके, सो वाइब वाज ऑफ अ लिटिल बिट ओवर देयर ओनली. उसके बाद भी लाइक आई ट्राइड स्पीकिंग टू अ कपल, स्टिल इट्स अ डिफरेंट थिंग कॉल्ड फ्लर्ट एंड वाइब. आई नेवर कॉल्ड यू फ्लर्ट. यू कॉल्ड? Of course. That was my line, that you flirted with everyone. No, my line was, I didn't like him, I didn't like his wife. Okay. And the clear answer for that was, I think you're a little show-offy and you have an on-camera, off-camera personality. So, meri personality bhi na, beta. Main bolu, bhai. Haan, behen, bol le. Bol le de. So, I feel like he has an on-camera, off-camera personality. Camera aega, shirt aisa, aur bhai ye wo. So, that's just a little off-vibey okay. for me. That's it. तो मैंने भी उसको बता दिया क्यों वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बात करता है. ओके, चलो चलो चलो, ये सब तो चलता रहेगा. हम किस लिए आए? वी हैव कम हियर फॉर द चैलेंज. तो बॉयज, एक एक करके, व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड स्टैंड नेक्स्ट टू योर स्क्वीजेस. गर्ल्स, स्टे राइट देयर. तो मैं काफी खुश थी कि जशवंत ने मुझे चूज किया एंड कनक को चूज किया. अनिका, शोभिका, शिवित साथ में परफॉर्म कर रहे थे एंड हमारे दो लंबे कपल हर्ष शाली एंड डॉक्टर निहारिका. एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि आज जो भी होने वाला है बहुत नेक टू नेक होने वाला है. सो एज यू नो, ये स्प्लिट्सविले है एंड वी ऑलवेज हैव सरप्राइजेस. सरप्राइज है ना, शॉक तो नहीं. शॉकिंग तो 100% होगा. एक्साइटिंग 100% एक्साइटिंग होगा. Can we please have the surprise? I was not expecting her. और उर्फी आना मतलब कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है. उसका नाम निश्चित है, कुछ तो करेगी आके. लकी को अनलकी और अनलकी को लकी बना सकते हो. अरे आ रहा तेरा बेबी, रुक जा. Come here. अरे कशिश, मेरे को सामान तो ला के दे मेरी जान. Let's go baby. केक ले आओ, केक ले आओ, केक. तू किस किस को घुमा रही है? मेरा महीना कम हो गया. इतना तू घुमा रही है ना, तू मेरे को बोल रही है तू प्लेयर है. मैं तो हूँ ही. क्या बोली थी अरबाज के लिए? तो बैंड की गलती हो गई. दूर से तो अच्छा दिख रहा है, सामने से आई डोंट लाइक हिज फेस. ओके, ठीक है, ठीक है, तो मेरे को बात भी नहीं करनी.
This is our very, very new element, Mischief Box. कशिश बोल रही थी कि मैं पछता रही हूँ इसको बैंड देख के. And you are a sore bloody loser. तेरी बातों पे ध्यान नहीं देता है कोई. अभी तेरे बारे में ही बातें होती हैं. ना तो आगे पीछे नहीं मंडरा रहा होता दो हिलाते हिलाते चूतिया. I have balls to own up to shit that I do. Had he just asked me even once, मैं तो बोलती ना क्या है. चुप रहे इधर ही. If you become an ideal match, that person goes home today. Oh.